फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपको अपने ससुराल का घर दिखाने जा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हमारा घर अच्छा लगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे घर का मेन एंट्रेंस। तो यहाँ से एंट्री करते हैं हम सब लोग अपने घर के लिए। और मेरा ससुराल जो है वो है एक गाँव में, मथुरा और हाथरस के पास में गाँव है, तो वहाँ है मेरा ससुराल। और कुछ बाहर से ऐसा दिखाई देता है मेरा घर, हमारा घर मतलब। सो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं अपना घर। आप इंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को। अगर अच्छा लगे मेरा ससुराल का घर, मेरा ससुराल, तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। घर में एंटर करते ही लेफ्ट साइड से आपको यहाँ भैंस नज़र आएंगी। गांव में भैंस रहते ही हैं सबके घर पे, क्योंकि फिर दूध वगैरह बाहर से लेना पड़ता है, इसलिए। तो यहाँ मम्मी भैंस रखती हैं, एक ही रखती हैं, अभी दो हो गई हैं। और राइट साइड में बाथरूम बने हुए हैं, तो हम लोग अंदर से बाहर ही आते हैं नहाने के लिए या कुछ भी करना है, तो बाथरूम यहीं पर है। अंदर हमारे घर में बाथरूम नहीं है। और ये लग रहा है इधर समर का पाइप। और यहाँ एक तख्त पड़ा हुआ है शाम को बैठने के लिए, हवा आती है ठंडी ठंडी। और इधर सामने चले जाओ तो यहाँ पे अभी ये टीन से पटा हुआ है, यहाँ थोड़ा भी काम होना बाकी है। तो ये गार्बेज की तरह से यूज होता है, ट्रैक्टर साइकिल व एक सब इधर ही रहते हैं। पहले कार भी थी बट कार अभी नहीं रहती, क्योंकि साइड से जो दोनों घर हैं वो हमारे रिलेटिव्स के हैं, तो वो लोग आउट ऑफ विलेज रहते हैं, तो हम लोग उनके घर में अपना सामान बहुत सारा शिफ्ट कर देते हैं, तो गाड़ी उधर रहती है। तो इधर ये भैंस का चारा वगैरह ये सब अरेंज हो जाता है अच्छे से। तो चलिए अब घर के अंदर लेके चलती हूँ मैं आपको। तो यहाँ से एंट्री करते हैं हम अंदर जाने के लिए। घर में ही हैं अभी, अंदर और जाना है। तो चलिए चलते हैं। एंटर करते ही ये लॉबी आ जाती है, तो ये भी कॉमन है, कोई भी आ जाता है। जेंट्स वगैरह तो इधर ही उनका सोना वगैरह होता है। और ये कुछ आलू के कट्टे रखे हुए हैं, डोंट माइंड, ये तो हट जाते हैं, आलू का सीज़न चल रहा है। और ये जो डोर आप देख रहे हैं ये ऊपर के लिए जाता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ये तो ऊपर जाने के लिए। और इसमें से ही हम चलते हैं लिविंग रूम में, तो ये है हमारा लिविंग रूम। तो जो भी आते हैं पापा मतलब ससुर जी से हमारे से मिलने के लिए, वो सब इस रूम में ही बैठते हैं, पापा के जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं। तो ये उन्हीं का रूम है, उन्हीं का दीवान बेड और कुछ ऐसे बनाया हुआ है, इसको अरेंज किया हुआ है। और इधर ये शोकेस बना हुआ है, जो इसमें बहुत सारा सामान लगाया हुआ है, ट्रॉफीज एंड पेंटिंग और गणपत पप्पा जी बहुत सारे, ये सब मैं ही लेके आई थी। और ये टीवी इधर ही लगा दिया है, दीवार पे लगाने से इसमें बंद कर दिया, पैक करके चलता रहता है ये। और इसमें से दो गेट हैं, एक उधर से एंटर कर लेते हैं और एक ही अंदर की साइड से है। तो अभी मैं अंदर की साइड से आई थी, अब चलती हूँ फिर से अंदर की तरफ। ये एक और लॉबी से ही अटैच है ये वाला गेट, तो यहाँ से जाते हैं। तो ये यहाँ एक वॉश बेसिन लगाया हुआ है, और ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, उसी के नीचे स्टोर रूम बनाया हुआ है इसे। और ये पूरा एक बरामदा सा दिया हुआ है, और ये है मेरी देवरानी। तो ये रूम में चलते हैं, ये है इसका रूम। और ये जो देख रहे हैं यहाँ मंदिर लगा दिया है लिविंग रूम का, जो बॉल था इधर ही अंदर को उस पर, तो अम्मा पूजा करती हैं इधर ही, हमारी दादी सासू माँ। और ये है मेरी देवरानी का रूम, पहले मेरा हुआ करता था ये वाला रूम। तो इसमें इसका सामान लगा हुआ है, और इसमें एक डोर दिखेगा अभी, तो वो जो हम बाहर से टीन में ट्रैक्टर जो खड़ा है ये वहाँ ओपन होता है, ये वाला डोर जो देख रहे हैं आप कर्टन्स के साइड से। तो इसमें भी दो डोर हैं रूम में, तो ये उसका रूम है। तो चलिए अभी और दिखाती हूँ मैं आपको। उसके रूम से बाहर आने के बाद में ये पूरा बरांडा टाइप से है, और इसमें से हम अब और अंदर को चलते हैं। तो ये पूरा आंगन है जो आप देख रहे हैं, इधर मैंने ये सोफ़ा सेट किया हुआ है बड़ा वाला, और ये ऊपर पूरा जाल बनाया हुआ है, इस पर तो टीन शेड लगा हुआ है, क्योंकि बारिश धूल मिट्टी सब आती है, तो इससे बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है। और यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रख लेते हैं, ये किचन के बाहर की जगह है। और चलिए अब किचन में लेके चलती हूँ मैं आपको। सो ये है किचन, किचन में सामान सब उलट पुलट हो रखा है, सो प्लीज़ डोंट माइंड, ऐसी रहती है मोस्टली, क्योंकि सब लोग अपने अपने तरीके से सामान कहीं भी रख देते हैं।
यूज करके, और गांव के हिसाब से फिर भी बहुत बेटर है और काफ़ी स्पेसियस है, किचन काफ़ी अच्छी है और लाइट बहुत अच्छी आती है इस गांव में शहर के जैसी। तो इंडक्शन वगैरह सब मिलेगा देखने के लिए, तो कुछ इस टाइप से बनी हुई है ये किचन। ये किचन कम पूरा रूम जैसा ही है, काफ़ी स्पेसियस है। सो किचन से निकलते ही सामने बिल्कुल जो है ये रूम, तो ये सबसे बड़ा रूम है और काफ़ी पुराना रूम है ये, और इसमें सबका सामान रहता है, ये कॉमन है। इसमें सब कुछ कबाड़ा या जिस किसी का जो भी होगा सब इसमें पटक सकता है इजीली। तो मम्मी का बक्सा इधर रखा है बहुत पुराना, और टंकी गेहूँ की, और इधर ये चारपाई वगैरह डाली हुई हैं, और इधर भी एक फ्रिज लगाया हुआ है। काफ़ी मेम्बर हो जाते हैं गर्मी है का मौसम है, इसलिए दो फ्रिज हो ही जाते हैं। और इधर ये पूरा वार्डरोब बना हुआ है, मम्मी दादी और पापा जी इन सब लोगों के कपड़े इसी में रहते हैं। और ऊपर कूलर वगैरह बहुत सारा कबाड़ा पड़ा हुआ है, मतलब सामान यूज का है सब पड़ा हुआ है, उसको ढक दिया है बस। तो इस रूम में सर्दियों में ज़्यादा रहते हैं, गर्मियों में कम रहते हैं। और ये है मेरी वॉशिंग मशीन, और अब लेके चलती हूँ मैं आपको अपने रूम में। तो मेरा रूम है ये वाला, तो चलिए ये हमारे रूम में। और ये मेरा जो रूम है इसमें ये टेबल को मैंने अभी इधर सेट कर दिया, पहले उधर सामने दीवार से रहती थी। इस पे बस अपने बैग रखे हुए हैं, बैगों से कुछ सामान ज़रूरत होती है वही निकाल लेते हैं, क्योंकि सेट करूँ फिर भरूँगी इसलिए इन्हीं में से निकाल के यूज करते रहते हैं। इधर दिशान के टॉयज वगैरह लगा दिए हैं, और ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। यहाँ इसी रूम में पहले पूजा घर हुआ करता था, तो इसलिए ये पूरा एक उसी शेप में बना दिया था, पूजा की मंदिर की शेप में। तो अब मेरा रूम हो गया, इसलिए फिर इस बाहर एक मंदिर लगवा दिया, उसमें सब भगवान जी पहुँच गए। और इधर मेरी अलमारी रहती है, उधर थोड़ा ये वार्डरोब बनाए हुए हैं छोटे छोटे से, इनमें भी कपड़े वगैरह रख लेते हैं हम लोग, सामान रहता है ज़रूरत का। और इधर लगा हुआ है ये विंडो के पास में मेरा बेड, तो कुछ ऐसे सेट किया हुआ है इस रूम में मैंने अपने सामान को। तो ये रहा मेरा रूम। तो कैसा लगा आपको मेरे ससुराल का घर, आई होप अच्छा लगा हो। गांव में रह के भी मतलब गांव के जो घर देखती हूँ मुझे लगता है हमारा घर काफ़ी अच्छा है गांव के हिसाब से। आई होप आपने अच्छा आपको भी अच्छा लगे। अगर आपने इंजॉय किया हो वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।